नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विस। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि नए राशन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और इसमें कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो मैं आपको इस वीडियो में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। तो फ्रेंड आइए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि राशन कार्ड का अप्लाई करने के लिए इसका ऑनलाइन कोई प्रक्रिया नहीं है, इसको ऑफलाइन प्रक्रिया है। आपको इस फॉर्म को कैसे भरना होगा मैं आपको बताऊंगा, और जैसे भी कोई ऑनलाइन इसका प्रक्रिया आता है तो मैं आपको ऑनलाइन से फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन तो दबाना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको जो ऊपर देखने को मिल रहा होगा प्रपत्र क, आपको ये फॉर्म को लेना होगा। अगर आप नए राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको प्रपत्र क फॉर्म लेना होगा। तो अब इस फॉर्म को कैसे मिलेगा और कहाँ मिलेगा, तो फ्रेंड मैं आपको बता दूँ कि ब्लॉक के पास जो दुकान होता है वहाँ पे यह फॉर्म आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आप नया अप्लाई करेंगे तो आप प्रपत्र क के ही फॉर्म लेंगे, और आपको नाम सुधरवाना हो, नाम जुड़वाना हो, नाम में कुछ भी करेक्शन करवाना हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो वीडियो बना के दे दूंगा कि आपको राशन कार्ड में कैसे नाम सुधरवाना होगा। तो सबसे पहले मैं आज यहाँ पे आज बात कर लेता हूँ कि नए राशन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म लेके आना होगा जो कि लोक सेवा अधिकार अधिनियम अंतर्गत के नए राशन कार्ड के लिए आवेदन प्रपत्र, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। अब फिर यहाँ से बात कर लेते हैं यहाँ पे फोटो का। अब फिर मैं बता दूँ यहाँ पे आपका जो भी राशन कार्ड में जितना भी आदमी नाम देना होगा आपको उनका फैमिली ज्वाइंट फोटो होना चाहिए, यानी आपका फैमिली मेंबर में पांच आदमी होगा तो आपको पांचों आदमी का एक साथ में फोटो खिंचा के यहाँ पे आपको साटना होगा। और मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपका यहाँ पे आवेदक का नाम लिखना है, यहाँ पे उसका आधार आईडी लिखना है, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे उनका पति का नाम लिखना होगा। और मैं बता दूँ यहाँ पे पाँच नंबर में जो कि उनका ग्राम पोस्ट और प्रखंड ये सब यहाँ पे लिखना होगा। या इसके बाद छः नंबर में उनका बैंक का आईएफएससी कोड देना होगा, सात नंबर में उनका बैंक अकाउंट नंबर देना होगा, और आठ नंबर में उनका कौन सा शाखा है, कौन सा बैंक है, वो यहाँ पे लिखना होगा। और अब बात कर लेते हैं नौ नंबर। तो दोस्तों नौ नंबर में आपको यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में जिसका भी आप नाम से अप्लाई करेंगे उनका यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आप जिसका भी नाम डालेंगे यहाँ पे उनका सबसे पहले नाम यहाँ पे आप डालेंगे, यहाँ पे उनका पति का नाम डालेंगे, यहाँ पे उनका लिंक डालेंगे। और सबसे पहले फिर मैं बता दूँ कि ये सिर्फ लेडीज़ के नाम से ही राशन कार्ड अब बनेगा, इसमें जेंट्स के नाम से राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो सबसे पहले उनका यहाँ पर लिंक डालना है, मेल फीमेल, इसके बाद उनका एज डालना है, विवाहित है या अविवाहित है, विवाहित होंगे तो हाँ करेंगे नहीं तो नो करेंगे, संबंध में यहाँ पर उनका पति होंगे तो पति का यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद उनका पति का नाम डालना होगा सेकंड में, इसके बाद उनका पति का पिता का नाम क्या है आपको वो डालना होगा, इसके बाद यहाँ पे पुरुष डालना होगा, इसके बाद एज डालना होगा, इसके बाद विवाहित है तो हाँ डालना होगा, इसके बाद पिता यहाँ पे डालना होगा संबंध में। इसके बाद मैं बता दूँ कि यहाँ पे आप देखेंगे इनका जो भी लड़का होगा और लड़की होगी आप वहाँ से इनका नाम डालेंगे। तो फर्स्ट में आप यहाँ से देख रहे होंगे यहाँ पे नाम लिखेंगे, सेकंड में उनका पिता का नाम लिखेंगे, जो इस लड़का का पिता होगा उनका नाम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पे पुरुष लिखेंगे, और पुरुष होंगे तो पुरुष, स्त्री होंगे तो स्त्री, इसके बाद उनका एज लिखेंगे, और यहाँ पे विवाहित होंगे तो विवाहित और नहीं होंगे तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, और इस संबंध में यहाँ पे अपना पिता लिखेंगे। इसके बाद मैं बता दूं यहाँ पे इस तरीके से आपने जितना भी इनका लड़का और लड़की होगा आप यहाँ से लिखेंगे, इस तरीके से अपना भरेंगे। इसके बाद मैं बता दूं यहाँ पे नौ नंबर में सेकंड में जो कि इनका आधार नंबर लिखना होगा, जो भी यहाँ पे फर्स्ट नाम में यहाँ पे जो भी डालेंगे यहाँ पे आप जो भी फर्स्ट नाम डालेंगे आपको सेकेंड में फर्स्ट में इनका आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद इनका मोबाइल नंबर डालना होगा, इसके बाद इनका व्यवसाय सरकारी सेवक में कृषि डालना होगा, और इसके बाद आमदनी का स्रोत कृषि से डाल लेंगे, और मासिक आय यानी मंथली इनकम कितना है तो आप कम से कम ही डालें तो अच्छा होगा, मैं यहाँ पे 4000 डाला हूँ। इसके बाद सेकंड में जो भी होगा उनका आधार नंबर डालेंगे, इनका मोबाइल नंबर डालेंगे, और यहाँ पे उनका व्यवसाय क्या है तो आप किसान डाल लेंगे, और आमदनी का स्रोत यहाँ पर कृषि ही डालेंगे, और मासिक आय यहाँ 4000 डालेंगे। इससे ज़्यादा आप डालेंगे तो आपका राशन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से डाल लेंगे, आप देख लेंगे आपको जो भी सुविधा होगा आप डाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे उनका लड़का का होगा तो लड़का का डालेंगे आधार नंबर, यहाँ पे जो भी होगा वहाँ पर डाल लेंगे। इसके बाद मैं बता दूँ कि अगर कोई भी लड़का या लड़की 2 साल से कम का एज होगा तो उनका आधार नंबर यहाँ पे नहीं डालेंगे, क्योंकि 2 साल से कम का एज का लड़का लड़की का आधार कार्ड नहीं बनता है। अब मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे 10 नंबर में,
जो कि यहाँ पे बताया गया है विधान राशन कार्ड को प्रत्यंत रद्द करने के कारण, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में पहले चरण विवाह सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित हाँ या ना पर टिक लगाएं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पूछा गया है, एक नंबर में मोटर चालित तीन पहिया चार पहिया वाहन हैं, अगर हैं तो हाँ पे टिक करें, नहीं है तो नहीं पे। तो मेरे हिसाब से आपको नहीं पे टिक करना होगा, क्योंकि नहीं पे टिक करेंगे तभी आपका राशन कार्ड मिलेगा, यानी आपको हाँ पे टिक कर देंगे तो आपका राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ये अमीरी रेखा में ऐसा बात है, लेकिन आपको यहाँ पे गरीबी रेखा शो करना होगा तभी आपका राशन कार्ड मिलेगा। सेकंड नंबर में फिर से आपको यहाँ पे नहीं करना है। और तीन नंबर में देखेंगे सरकार में पंजीकृत गृह उद्योग में परिवार का वाली गृहस्थी है, ये और आपको यहाँ पे सब में नहीं नहीं करना है, क्योंकि नहीं करेंगे तभी आपका राशन मिलेगा, अन्यथा आप नहीं मिलेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, तो आप इस तरीके से सब में नहीं टिक मार लेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आना है आपको लास्ट में, जो कि दिनांक पूछा गया है और स्थान पूछा गया है। तो आपको दिनांक में आपको वही दिनांक डालना होगा जो आपको उस फॉर्म को, जो अब आप आरटीपीएस ऑफिस में जमा करेंगे तो ही आपका इस फॉर्म को उस तारीख का ही दिनांक यहाँ पे डालना होगा। इसके बाद स्थान अपना लिख लेंगे जहाँ से भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे, उसके बाद वो लिख लेंगे। इसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान, अगर आवेदक यहाँ पे पढ़े लिखे हैं तो हस्ताक्षर करेंगे, अन्यथा आप अंगूठे का निशान भी दे देंगे। इसके बाद आवेदक का नाम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे घोषणा में आप आ जाएंगे, यहाँ पे घोषणा में जो कि यहाँ पे दिनांक लिख देंगे, स्थान लिख देंगे, फिर से यहाँ पे हस्ताक्षर और नाम लिख देंगे। तो फ्रेंड इस तरीके से अपना फॉर्म भर लेंगे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि अब इसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं नए राशन कार्ड का निर्गमन, यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदन पत्र विभागीय पत्र क में आपको क्या देना होगा, जो कि यहाँ पे आधार का छायाप्रति, जो कि आधार का जीरोक्स होता है। इसके बाद यहाँ पे बैंक का प्रथम पृष्ठ होता है जिसमें बैंक का आईएफएससी कोड और खाता संख्या और आपका फोटो रहता है, वो आपको जीरोक्स करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको आवासीय देना होगा। इसके बाद यहाँ पे यह बताया गया जो जो इसमें लागू किया गया है 11 नंबर में वो आप दे देंगे। इसके बाद 6 नंबर में आपको यहाँ पे संपूर्ण परिवार का 3 फोटोग्राफ लगेगा, यहाँ पे आपको 3 फोटो लगेगा, जो कि एक फ़ोटो साथ लेंगे फॉर्म पे, और जब आरटीपीएस ऑफिस में आप जाएंगे जमा करने के लिए तो आपसे वहाँ पे 2 फोटो और लिया जाएगा। यहाँ पे इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अगर कोई भी नाम सुधरवाना हो या नाम जुड़वाना हो किस तरीके से वो फॉर्म भरेंगे और कैसे भरेंगे और कहाँ पे जमा करेंगे। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नया वीडियो में नया टॉपिक, तब तक के लिए जय हिंद।